हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं दिलवाला व्लॉग्स। तो गाइस, आज मैं आपको यहाँ की रोडें दिखाऊंगा और आज मैं आपने कफील के न्यू वाले घर पर जाने वाला हूँ और वो भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आज कैसे घर होते, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ड्राइवर लोग को शायद ही अलाउ नहीं होता है कफील घर के अंदर जाना, लेकिन अभी वो न्यू घर बन रहा है तो अभी मैं जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं कल गया था लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा फ़ोन काफ़ी बैटरी नहीं थी उसमें, इसकी वजह से नहीं बना पाया। तो आज मैं इंशाल्लाह जाकर वीडियो बनाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ अगर आपको कफील लोगों के घर देखना यहाँ पर कैसे होते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा घर है गाइस, बहुत ही बड़ा। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था भाई रोड की वीडियो बनाओ, तो आज मैं रोड की वीडियो बनाऊंगा, यहाँ रोडें कैसी होती हैं, यहाँ पे टॉप स्पीड कितनी होती है। मेरी बात की जाए तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, 80-90, लास्ट 100 है, 100 तक जाता हूँ, उसके आगे नहीं जाता हूँ। नॉर्मली तो गाड़ी जाती हैं 100-150 तक, लेकिन मैं 80-90-100, लास्ट 100 है, उसके ऊपर नहीं जाता हूँ। तो दिखाता हूँ रोडें यहाँ पर कैसी होती है कैसी नहीं, तो चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। गाड़ी को सर्विस कराने के लिए आए हैं सुबह सुबह, एक्चुअली जाना था कपिल के न्यू घर पर और वो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, और दो दिन से सोच रहे हैं सर्विस करा लेंगे, लेकिन आज फाइनली आ ही गए हैं, सुबह सुबह आ गए। अभी इंजन ऑयल डाला जा रहा है। गाड़ी कोई केयर नहीं करता यार, देखो कितनी गंदी गाड़ी पड़ी है अंदर से। मैं तो गाड़ी को साफ भी कर देता हूँ, यहाँ तो लोग गाड़ी को साफ भी नहीं करते अपनी गाड़ी को। एकदम न्यू गाड़ी होती है उनको इतनी गंदी रखते हैं, तो कितनी ही गंदी गाड़ी है। गाइस अभी गाड़ी में 1.10 पेट्रोल है, अभी जा रहे हैं, देखो सामने पेट्रोल पंप है, यहाँ पे पेट्रोल डलवाएंगे, देखते हैं 20 रियाल में कितना आता है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल बहुत ही सस्ता है। चलिए डलवा रहे हैं, देखें कितना आता है। गाड़ी को साफ करूंगा यार, बहुत ही गंदी हो गई है। तो 20 रियाल का कुछ हाफ टैंक आया है। यहाँ की रोड की वो दिखाओ वीडियो, देखो आज रोड से हम राइट लेंगे। यहाँ पर आपको बाइक नहीं दिखेंगी, सभी घरों में खाली कार खड़ी दिखेंगी। ये अंदर गली की रोड है इसलिए ऐसी है, वरना हाईवे की रोड तो अलग ही होती है। तो गाइस फाइनली हम लोग कफील के घर पहुंच गए नए वाले, और देख सकते हैं बीच वाला जो बंगला है ये मेरे कफील का है। तो चलिए अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ, बताइएगा कमेंट करके घर अच्छा है या फिर नहीं। तो चलिए, तो गाइस ये जो है ये एंट्रेंस है, ये अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, और ये राइट हैंड साइड पर एक बाहर का रूम है, आई थिंक शायद एक गेस्ट रूम होने वाला है। और यहाँ पर अभी एसी वगैरह का काम चल रहा है, एसियाँ लग रही हैं न्यू, और ये अंदर जाने का एंट्रेंस है। यहाँ पर एक छोटा सा गेस्ट हॉल टाइप का है, यहाँ पर सोफे वगैरह पड़ने वाले हैं ऐसा मुझे देख के लग रहा है, आगे क्या होगा वो मुझे मालूम नहीं।
कि यहाँ पर वॉश बेसिन लगी है। और ये हम लोग आ गए अंदर हॉल में, और ये हॉल है पूरा, माशाल्लाह कितना बड़ा लग रहा है। अभी ये बाहर साइड में दो रूम थे, और देख से, और ये हॉल से ऊपर को सीढ़ी गई है, तो देख सकते हैं आप लोग कितना तगड़ा है। दो बाहर साइड में रूम थे और ये दो रूम अंदर साइड में हैं। यहाँ पर वॉश बेसिन है, इसके बगल में टॉयलेट है, और ये राइट हैंड साइड पर इसका एक और रूम है, और एक रूम इसके सामने है, और एक ये उसी के सामने एक ये रूम है। और इधर से बाहर का ये झरना टाइप का दिखता है देखने में, और वो बाहर जाने के लिए रास्ता है। ये पूरा हॉल है, यहाँ से बाहर का व्यू दिखता है। अभी हम लोग यहाँ से आए थे, अब इधर से जाएंगे, ये बाहर जाने का इधर रास्ता भी एक है, ये पीछे जाने का रास्ता है। यहाँ पर झरना टाइप का रहेगा पानी का, और ये बाहर जाने की रास्ता है। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को ऊपर ले चलता हूँ। ये हॉल के बगल से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, और देखिए ऊपर का व्यू आप लोग, इसकी ग्रिलें कितनी बेहतरीन है। और ये राइट हैंड साइड पर दो रूम है, ये मास्टर बेडरूम है, बहुत बड़ा बेडरूम है ये, और इसके अंदर एक बाथरूम है, ये बाथरूम है, कितना बड़ा बाथरूम है देख सकते हैं। एक ये रूम है ऊपर का, एक ये रूम है, यहाँ का बाथरूम इधर है, एक ये रूम है, यहाँ का बाथरूम इधर है, एक ये रूम है, बहुत बड़ा घर बनाया है यार। अभी यहाँ पर काम चल रहा है, एसियाँ वगैरह लग रही हैं। अभी जब घर बन जाएगा तो मैं आपको पूरा घर दिखाऊँ कैसा है घर कैसा नहीं। आप सिर्फ वॉश बेसिन देखिए, यहाँ से पानी आएगा, क्या बात है। Told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, got a few moments later. साइटी यहाँ पर नई बन रही है, सारे बंगले देख सकते हैं पूरे नए हैं, यहाँ पर सभी घर नए बन रहे हैं, पूरी पूरा एरिया ही नया है। और ये है हमारे कफील। हेलो गाइस, अभी मैं आपने देखा ही होगा कि मैं कफील के न्यू हाउस पर आया था, और आपको मैंने वो घर दिखाया है। तो अभी उन्होंने कुछ पैसे निकालने के लिए बोले हैं 300 रियाल। इतने दिन में इतना भरोसा, आई डोंट नो कैसे। चलो देखते हैं यहाँ के एटीएम कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, चलिए दिखाते हैं मैं आपको यहाँ पर। तो गाइज मैंने पैसे निकाल लिए हैं, और ये है एटीएम, और यहाँ का सिस्टम इतना अच्छा है, आपको गाड़ी से उतरना ही नहीं पड़ेगा अगर आप गाड़ी में बैठे हैं। ड्राइव थ्रू एटीएम है, आप गाड़ी में बैठे बैठे पैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी सारे जो भी है पूरा एरिया यहाँ पर नया है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से अभी हमको राइट जाना पड़ेगा अपने कफील के वहाँ पर जाने के लिए। यहाँ पर जो घर हैं अभी वो बन रहे हैं, लेकिन जो मेरे कफील घर है ना वो लगभग बन के तैयार हो चुका है। तो दिखाता हूँ, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मस्जिद बन रही है, देखिए जब तैयार होगा ना उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का। यहाँ से लेफ्ट ये देख सकते हैं, ये छोटा वाला गेट है, ये वाला गेट, ये मेरा रूम है,
देखिए आज मेरे कफील को देखिए कैसे हैं, वो बहुत ही अच्छा एरिया बनाया जा रहा है, ये बहुत एकदम तगड़े तगड़े। यहाँ का मुझे एटीएम का तरीका बहुत ही पसंद आया, आप मुझे मालूम नहीं था एक्चुअली, मैंने रॉन्ग साइड से एटीएम में लगाया, गाड़ी से उतर के मैंने पैसे निकाले, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो उल्टे साइड से अगर आप इंडिया की तरफ से गाड़ी चलाएंगे तो आप वो एकदम आराम से आप दरवाज़ा खोले एटीएम मतलब दरवाज़ा नहीं भी खोलेंगे ना तो आप खिड़की विंडो का ग्लास खोलेंगे, एटीएम कार्ड लगाइए, आप गाड़ी में बैठे ही बैठे पैसे निकाल लेंगे। बहुत ही तगड़ा तरीका है यार, मैंने फर्स्ट टाइम पैसे निकाले यहाँ पर, लेकिन मानना पड़ेगा। अभी तो वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी, मैंने आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया है। देखो एक कब निकलते हैं यहाँ से कब नहीं। अभी तो यहाँ पर एसी, सारी एसियाँ फिटिंग हो रही हैं हर रूम में, माशाल्लाह बहुत ही बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, लगभग नहीं कुछ तो 5 रूम नीचे होंगे 5 रूम ऊपर होंगे, एंड सबसे ऊपर भी एक दो रूम है, मैं सबसे ऊपर नहीं किया लेकिन सबसे ऊपर भी एक रूम है। अब देखो इंशाल्लाह 1.5 महीने बाद बोल रहे हैं कि शिफ्ट हो जाएंगे, आज एसी यहाँ आई हैं, एसियाँ सब लग जाएंगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, कब आते हैं यहाँ पर कब नहीं, दिखाता हूँ मैं आपको आगे का व्लॉग। तो गाइज अब हम लोग आए हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि बहुत ही भूख लगी थी, कुछ ना कुछ खा ले वरना भूखे मर जाएंगे हम लोग। ये हम लोग का दस्तरखान बिछ चुका है और ये यहाँ पर कुर्सियाँ ही पड़ी हैं, आप लोगों को जहाँ बैठना है वहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ पर नीचे बैठने के लिए है, उधर कुर्सियों में बैठने के लिए है। तो अभी हम लोग का खाना आएगा, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग खाना खा चुके थे और खाना खाते खाते अजान हो गई, तो हम लोग अभी आए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की मस्जिदें कैसी होती हैं।